हाय गाइस फ्रेंड्स, बीइंग ए रेस्पिरेंट एक चीज तो माइंड में हमेशा आती है कि क्या मैं किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन को डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस के लिए यूज कर सकता हूं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट और वेरी लेस एफर्ट। सो व्हाट विल बी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी? द बिगेस्ट एडवांटेज विल बी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस विल बी मच मच हायर। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन जो कि रिक्वायर्ड है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है सिलेक्शन के, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो गाइस यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, वो उस एग्जाम की प्रिपरेशन को और किन एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा अलग से एफर्ट भी लगाना पड़ सकता है या एकदम से भी जीरो एफर्ट के साथ भी आप उन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड। But friends, before starting, those who are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube session. The link of the Telegram channel is given in the description box below. So let's proceed. But guys, very, very important thing before starting the session, that being an aspirant, we spend too much time on internet for the purpose of collecting as well as gathering information with respect to the examination. But even after spending that much time, we are not able to get accurate as well as reliable information. That is why we at EduTap have released this guidebook for those who are preparing for SEBI Grade A examination. This guidebook contains each and everything that is required for you to become a SEBI Grade A officer. Right? Friends, इसमें SEBI से related सारी information है. What is the history of SEBI? Departments कौन से हैं? Hierarchies क्या है? And if you talk about SEBI Grade A examination, so recruitment का pattern क्या है? What is the cutoff? What is the eligibility? What is the exam pattern? Syllabus क्या है? Salary क्या है? Profile क्या है? Each and everything that is required for you to clear this examination. What are the resources for phase 1 examination? What are the resources for phase 2 examination? And how you can clear the interview? And guys, last but not the least, 6 steps formula by following which you can clear this examination. So guys, you do not need to pay anything. This is completely free of cost. But you need to do one thing, that you need to download it from the link given in the description box below. And guys, believe me, this is a Bible. Iske baad aapko SEBI se related koi bhi information ki zarurat nahi hai till you get the selection. ठीक है, तो ये आपके स्टडी टेबल में होनी चाहिए गाइस। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं इट इज अराउंड 30 पेज गाइड बुक जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो लेट्स प्रोसीड। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो आप सेबी की प्रिपरेशन के साथ दे सकते हैं, तो इसको हम सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज द एग्जाम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द सेबी। ठीक है, ऐसे एग्जाम जो कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम से बिल्कुल सिमिलर है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज एग्जाम्स विच आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट ह्यूज ओवरलैप इज देयर। इन दो कैटेगरीज में हम समझते हैं कि किस तरीके से आप सेबी की प्रिपरेशन को डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वन, दैट इज एग्जाम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू सेबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू सेबी, तो यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। लाइक नंबर फर्स्ट इज एनपीएस का जो एग्जाम होता है एंड नंबर सेकेंड इज पीएफआरडीए का जो एग्जाम होता है। राइट, अगर हम इनकी बात करें तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है सेबी के एग्जामिनेशन से। So guys, if we talk about vacancies, अगर हम बात करें vacancies, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें NPS 2021 examination की, क्योंकि NPS 2022 के examination में general category की जो post है वो नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम 2021 का हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर यू कैन सी दैट यहाँ पे जो NPS का एग्जाम होता है वो ग्रेड ए में भी होता है, ग्रेड बी के लिए भी होता है। राइट, सो इफ यू टॉक अबाउट 2021 नोटिफिकेशन ऑफ NPS, सो देयर यू कैन सी दैट 9 वैकेंसीज वर देयर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रेड बी मैनेजर, सो हियर 4 वैकेंसीज वर देयर फॉर जनरल स्ट्रीम। राइट, and if you talk about guys PFRDA exam, so here you can see that 15 vacancies were there if you talk about 2022 notification. Right, so PFRDA ke 2022 ke notification mein there were 15 vacancies. And guys, if we talk about vacancies in SEBI grade A 2022, so there were 80 vacancies. Right, यहाँ पर 80 वैकेंसीज थी। तो इन तीनों एग्जाम में यू कैन सी द पैटर्न ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा एनपीएस और पीएफआरडी में नहीं है, बट गाइस सेबी में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। बट आप सेबी की प्रिपरेशन को इन एग्जाम्स के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज। राइट, सो दिस इज अबाउट द वैकेंसीज इन ऑल दीज एग्जामिनेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट
The qualification, right? So qualifications क्या है इन तीनों एग्जाम की, that is exactly same, right? If you are eligible for SEBI, then guys you can also appear for NPS and you can also appear for PFRD examination. Let's see here. सबसे पहले हम बात करेंगे SEBI की, so here you can see that master degree in any discipline, bachelor's degree in law, bachelor's degree in engineering from recognized university, CA, CFA, CS or CWA, right? So ये है eligibility for SEBI examination. If you talk about eligibility for NPS, so here you can see that both for grade A as well as grade B, यहाँ पे जो qualification है, that is exactly same, जो कि SEBI की है, right? So if you are eligible for SEBI grade A examination, guys, you can also appear for NPS and you are also eligible for NPS examination. If you talk about manager post के लिए, so यहाँ पे एक experience की जरूरत पड़ी जाती है, but if you talk about grade A assistant manager, so यहाँ पे experience is completely nil. Which is exactly similar to the SEBI, right? And if you talk about PFRD examination, so here you can see that again, the qualification is master degree in any discipline or bachelor degree in law or bachelor's degree in engineering from a recognized university or CACS, CWA. That is the similar which is here for SEBI as well as NPS. तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इफ यू आर एलिजिबल फॉर SEBI grade A examination, सो यू कैन ऑल्सो अपियर फॉर NPS. And you can also appear for PFRD because the eligibility is same for all these examinations. Okay, friends? Now, the next very important thing is examination pattern, right? So if you are preparing for SEBI grade A examination, agar aapko same pattern par hi dusra exam mil raha hai, so which means aapke liye ek ye bonus hai, which you can avail, right? So if you talk about NPS examination, so yahan par aap dekh sakte hain NPS examination ka jo pattern hai, that is, for phase 1 examination, guys, यहाँ पे हमने 2022 का reference लिया है, दो general vacancies were not there in 2022 notification, but यहाँ पे नया pattern इन्होंने adopt किया हुआ है, so I hope ये इसी को continue करेंगे for future also when general stream category, when general stream vacancies will be there, right? So you can see, if you talk about NPS 2022, so यहाँ पे आप देख सकते हैं phase 1 online examination जो कि होता है, there two papers are there, paper 1 is related to multiple choice question on subject, that is general awareness, English, quant and reasoning. Right, that is QRE and general awareness for paper 1, which is the duration of will be 60 minutes and maximum marks will be 100 marks, right? If you talk about paper 2 for all streams, so that will be multiple choice question on specialized subject related to that stream and the timing will be 40 minutes and maximum marks will be 100 marks, right? So this is the pattern for phase 1 of NPS examination. If you talk about phase 1 of PFRD examination, so here you can also see कि paper 1 में again same thing है, यहाँ पे QRE, right, quant reasoning English and general awareness, that is 60 minutes में और maximum marks is 100, here you can see, right? And if you talk about paper 2 of phase 1 examination, so again for general stream multiple choice question on subjects commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act, economics and pension sector, which is again 40 minutes का है and maximum marks is 100, right guys? So यहाँ पे देख सकते हैं pattern जो है, that is exactly similar in NPS and PFRD. And if you talk about pattern of SEBI examination, so SEBI में भी same ही examination है. If you talk about phase 1 examination, so here you can see paper 1 में again QRE वाला जो component है along with GA, that is 60 minutes duration है, which is 100 marks, right? And if you talk about paper 2, तो paper 2 भी same है, specialized stream का paper होने वाला है, and that is 40 minutes maximum marks जो है कि 100 marks है. Right? So this is about phase 1 examination, जो कि आप देख सकते हैं phase 1 examination में तीनों ही exams का जो pattern है, that is exactly similar. ठीक है, कोई भी difference नहीं है उसमें. Cut off वाला component इसमें SEBI में additional है, जिसमें उन्होंने fix cut off रखा हुआ है, but that is not in the case, that is not with the case of PFRD and NPS. ठीक है, वहाँ पे fix cut off नहीं रखा गया है, which is given in the SEBI examination. Now if we talk about phase 2 examination, guys, so phase 2 examination में here you can see that if we talk about NPS. तो NPS में here you can see that two papers are there in phase 2 examination. Paper 1 will be the descriptive English, right? जैसा कि आपको पता है paper 1 होता है descriptive English का SEBI में भी. And paper 2 is again multiple choice question on specialized stream related to specialized subject related to stream, right? So if we talk about descriptive English, तो यहाँ पे आपको 60 minutes का time दिया जाता है and maximum marks is 100. And if we talk about paper 2 of phase 2, so 40 minutes will be given and here that is the maximum marks will be 100 marks. Right? And if we talk about the phase 2 examination of PFRD, so here you can also see that you have a paper 1 again descriptive English ka hota hai, which is the duration of 60 minutes and maximum marks is 100. And if we talk about paper 2, so here again the same thing, that is given in the NPS ki yahan pe multiple choice question diye jayenge with respect to the specialized stream, right? And that the timing will be 40 minutes and maximum marks will be 100, right?
एंड इफ यू टॉक अबाउट सेबी एग्जामिनेशन गाइज, तो सेबी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड द टाइमिंग इज 60 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 100. एंड पेपर टू इज स्पेशलाइज्ड हिस्ट्री वाला पेपर है जो कि 40 मिनट्स टाइम इज गिवन एंड 100 मार्क्स का जो होता है वो मैक्सिमम मार्क्स होता है. सो हियर यू कैन सी गाइस कि जो पैटर्न होता है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइस, यहाँ पे पूरा पैटर्न सेम है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन यू मस्ट अपियर फॉर एनपीएस एज वेल एज पीएफआरडी एग्जामिनेशन. उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी मच मच हायर, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है गाइस कि ये एग्जाम रेगुलर नहीं होते, राइट, रेगुलर नहीं होते क्योंकि सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ये कंफर्म नहीं कि सेबी एग्जाम होगा कि नहीं होगा. बट गाइज इन तीनों ही एग्जाम्स में से कोई ना कोई एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे हर साल. सो ये आपको मन में रखना है. तो आपको इसी चीज को माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है दैट योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग इन टू वेन. वो चीजें कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली यूटिलाइज होने वाली है, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, सो दैट इज कंप्लीटली सिमिलर बिटवीन सेबी पीएफआरडी एंड एनपीएस, राइट. Now guys, if we talk about syllabus, syllabus बहुत important thing होती है, भले pattern same है, but syllabus अगर same नहीं है, so that will be very very difficult, क्योंकि आपको हर exam के लिए अलग से preparation करनी पड़ेगी, right? But the guys, the good thing is कि those who are preparing for SEBI grade examination, the syllabus is exactly same for PFRD and NPS, except एक component जो है वो NPS और PFRD में additional है, rest all the components are same with respect to these three examinations. राइट, ये बहुत ही अच्छी बात है. इफ यू टॉक अबाउट सेबी पीएफआरडी एंड एनपीएस एग्जाम, तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, एक भी वर्ड ऐसा इधर से उधर नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, देन आफ्टर दैट कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये जो कॉम्पोनेंट है दीज ऑल सिक्स कॉम्पोनेंट्स ये कि एग्जैक्टली सेम है इन सेबी पीएफआरडी एंड एनपीएस. एंड गाइस द सब टॉपिक्स गिवन अंडर दीज कंपोनेंट्स अगेन आर वेरी वेरी सिमिलर, राइट. सारी चीजें सिमिलर है यहाँ पर, सब कुछ सेम है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ज्यादा मेंशन हो या कम मेंशन हो, राइट. एक एक चीज सेम है, सब टॉपिक्स भी सेम है, मेन जो कॉम्पोनेंट है वो भी सेम है, राइट. सो दिस इज अबाउट सेबी पीएफआरडी एंड एनपीएस सिलेबस. बट गाइस ये तो तीनों में सिमिलैरिटीज थी, बट एक कंपोनेंट है जो कि पीएफआरडी और एनपीएस में दैट इज एडिशनल एंड दैट इज पेंशन सेक्टर, राइट. जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, यू कैन इजीली प्रिपेयर. इसके जो सब टॉपिक्स है दैट वो भी बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है गाइस, तो यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट, राइट. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन गाइस, सो यहां पर आपको सिर्फ पेंशन सेक्टर के लिए अलग से प्रिपरेशन थोड़ी सी करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग पेंशन सेक्टर यू विल बी रेडी फॉर पीएफआरडी एंड एनपीएस एग्जामिनेशन एज वेल. यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एडवांटेज है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन कि अपनी सेम प्रिपरेशन को दे कैन यूज फॉर एनपीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द पीएफआरडी एग्जामिनेशन एज वेल, राइट गाइज. नाउ गाइज इफ यू टॉक अबाउट सैलरी, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सो वो भी ऑलमोस्ट सेम है तीनों एग्जामिनेशन के लिए, राइट. तीनों ही जो पोजीशन निकलती है असिस्टेंट मैनेजर की उनके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर इन एनपीएस, तो यहां पर क्या है टोटल सीटीसी जो है दैट इज अराउंड 18 लाख पर एनम, राइट. सो दैट इज टोटल सीटीसी. अदर बेनिफिट्स भी है गाइस जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी. सो इफ यू टॉक अबाउट सीटीसी, सो दैट इज अराउंड 18 लाख पर एनम इन एनपीएस. इफ यू टॉक अबाउट सेबी, सो दैट इज अराउंड 1,15,000 पर मंथ, ठीक है, 1,15,000 पर मंथ. सो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख पर एनम हो गया ये, दैट इज 18 लाख में 1.5 लाख पर एनम. यहाँ पे देख सकते हैं सेबी की है दैट इज 1,15,000 पर मंथ. एंड यहाँ पर गाइस इफ यू टॉक अबाउट पीएफआरडी एग्जामिनेशन, सो दैट इज अराउंड 1,40,000 पर मंथ, राइट. 1,40,000 पर मंथ के आसपास है. तो सैलरी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है गाइस, यहाँ पे सैलरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट. सो पोजीशन प्रोफाइल भी सेम ही है लगभग. वर्किंग नेचर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कैसा है. एनपीएस का कुछ थोड़ा सा अलग डोमेन है, पीएफआरडी का अलग है, सेबी का अलग है, बट गाइज रैंक सेम है असिस्टेंट मैनेजर की, सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, बेनिफिट्स आर ऑलमोस्ट सेम, राइट. सो दिस इज अबाउट द सैलरी. सो गाइज यू कैन सी कि कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं इन एग्जामिनेशन में. सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, वैकेंसीज भी आती हैं, राइट. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन गाइज, इन एग्जाम को तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, अपियर होना ही होना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन जो अक्सर एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है कि ये सारे एग्जाम्स हर साल तो नहीं होते हैं,
ठीक है, फ्यूचर में एग्जाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। बट गाइज हमने तीन एग्जाम्स की जिनकी बात की है अभी, दैट इज एनपीएस पीएफआरडीएल से भी, सो यू कैन नोटिस कि ये सारे एग्जाम दो, अभी अगर हम बात करें 2 साल से तो दे आर रेगुलर, बट अगर रेगुलर नहीं भी होंगे तो इनमें से कोई ना कोई एग्जाम तो हर साल डेफिनेटली होगा। सो आपकी प्रिपरेशन जो वेस्ट नहीं होने वाली है, दैट यू कैन डेफिनेटली यूज। सो इफ यू टॉक अबाउट सेबी, सो एवरी ईयर फॉर लास्ट 2 ईयर, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से एग्जाम लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा है और हो सकता है इस साल भी वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। इफ यू टॉक अबाउट पीएफआरडी एग्जामिनेशन, सो अगेन एवरी ईयर फॉर लास्ट टू ईयर से लगातार रिक्रूटमेंट हो रही है पीएफआरडी में भी। इफ यू टॉक अबाउट एनपीएस, सो एनपीएस की भी लास्ट 2 ईयर से रिक्रूटमेंट हो रही है, बट जनरल वैकेंसीज जो थी वो अभी इस साल इन्होंने 2022 में नोटिफाई नहीं की थी, राइट गाइज। बट अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी गाइज, यू कैन अपियर फॉर पीएफआरडी, और जब भी यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी तो आप एनपीएस के लिए भी अपियर हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या फ्यूचर में वैकेंसीज आती रहेंगी, रिक्रूटमेंट होते रहेंगे? सो डेफिनेटली फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ रहा है लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो रिक्रूटमेंट डेफिनेटली होंगे। और अगर ये सारे रिक्रूटमेंट हर साल ना भी हुए फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट होगी ही होगी। सपोज पीएफआरडी की अगर इस साल हो गई, नेक्स्ट ईयर नहीं हुई, तो नेक्स्ट ईयर सेबी की सकती है या एनपीएस की आ सकती, राइट। बट दे डेफिनेटली रिक्रूट, इनमें से कोई भी एग्जाम जो है वो डेफिनेटली कभी ना कभी आपके हर साल होंगे ही होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो गाइस ये तो हमने बात कर ली जो एग्जाम सिमिलर हैं सेबी के, राइट। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन एंड सेबी एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर दोस एग्जाम्स एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दोस एग्जामिनेशन, दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस। सो इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट ह्यूज ओवरलैप इज देयर, सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट, अगर आप सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया गया था कि एनपीएस पीएफआरडी ये तो एकदम से सिमिलर है, तो आपको सिर्फ सेबी की प्रिपरेशन करनी है, ये एग्जाम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। बट गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप और एग्जाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, राइट। वो कौन से एग्जाम है? द एग्जाम इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। कैसे फ्रेंड्स? सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए गाइस, वहां पर आपको ये सारे कंपोनेंट पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज द कॉमन सिलेबस बिटवीन सेबी एंड आरबीआई ग्रेड बी। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा फॉर सेबी ग्रेड ए। फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा जो कि यहाँ पर ईएसआई है, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे एडिशनल है, बट इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स वाला कंपोनेंट आप पढ़ते हैं सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन में। एंड गाइस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट, तो ये चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी करनी पड़ेंगी, राइट। तो अगर आपने सेबी की प्रिपरेशन की हुई है तो ये सारे कंपोनेंट आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, राइट। तो अब आपको यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूआरई आपको प्रिपेयर आपने ऑलरेडी किया हुआ, बट यहाँ पे जो लेवल है लेवल थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, तो आपको आरबीआई के लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दो यू हैव प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर हो जाता है इफ यू टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। फाइनेंस मेजर कंपोनेंट आपने सेबी में कवर किया है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो कि आपको आरबीआई में अलग से थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट मेजर पोर्शन जो है वो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है सेबी ग्रेड ए में। इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, सेम थिंग अगेन, आपने सेबी में काफी कुछ कवर किया हुआ है, थोड़ा सा कंपोनेंट रह जाता है, दैट यू कैन प्रिपेयर सेपरेटली फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई, तो ईएसआई जो कि आपको पता है आरबीआई में एफएम और ईएसआई एक मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट, तो एफएम तो यू हैव प्रिपेयर्ड इन सेबी, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट ईएसआई, तो इकोनॉमिक्स का जो एक पेपर होता है सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन में, आपको वहां पे काफी कंपोनेंट जो आप ईएसआई का कवर कर लेंगे, बस यहाँ पे आपको सोशल इश्यूज वाला जो कंपोनेंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सोशल इश्यूज वाला कंपोनेंट है वो सेबी में नहीं है, वो आरबीआई में है, तो आपको आरबीआई में सोशल इश्यूज वाला कंपोनेंट थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक्स यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट। तो नेक्स्ट इज इफ टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेम है फॉर सेबी ग्रेड ए एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, दोनों का पैटर्न भी सेम है, ऐसे ऐसे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है दोनों ही एग्जामिनेशन में, सो इसके लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, तो आपकी आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो कॉमन सिलेबस है वो अराउंड 60-70% का ओवरलैप है, सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सेबी ग्रेड ए, सो गाइज बिलीव मी 60-70% सिलेबस आपने आरबीआई का ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आपको एफर्ट लगाना है फॉर कवरिंग रेस्ट 20-30% का जो कंपोनेंट रह जाता है, अब आपको उसके लिए एफर्ट लगाना है, राइट। बट यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
दैट फॉर आरबीआई ग्रेड बी करंट अफेयर्स नीड टू बी सेपरेटली फोकस्ड. ठीक है, करंट अफेयर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें सेबी एग्जामिनेशन की, सो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले नहीं करता है. राइट, सिर्फ फेज वन में एक जीए का पेपर होता है जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फेज टू में ऑलमोस्ट निल के बराबर क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से. सो आरबीआई के लिए आपको एक जो मेजर कॉम्पोनेंट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, दैट इज करंट अफेयर्स. राइट, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो हम वैसे भी प्रिपेयर करते हैं, बट आरबीआई के लिए आपको थोड़ा ज्यादा फोकस होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज अबाउट कि आप जब सेबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप आरबीआई के प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं. राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लैरिटी हो चुकी है पूरी. फॉर मोर एग्जामिनेशन इज देयर, सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट, और आपने साथ में आरबीआई की प्रिपरेशन भी कर ली है ऑलरेडी. ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं. So if you have prepared for RBI grade B examination, which means you have already covered ESI wala component bahut acche tarike se in RBI for RBI examination, right? So yahan pe if you have covered ESI wala component, then guys you can also appear for NABARD grade A examination. Because agar hum baat kare NABARD grade A examination ki, so wahan pe ESI aur agriculture and rural development ARD ka jo paper hota hai, that is the main paper, right, in phase 2 examination. Or descriptive English, guys, aap already prepare karenge SEBI ke liye bhi, that will be helpful for RBI and that will also helpful for NABARD grade A examination, right? So yahan par aap dekh sakte hain that the syllabus of economic and social issues is almost similar with respect to NABARD. ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इसमें एडिशनल है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इसमें एडिशनल है, बट गाइस बिलीव मी सिलेबस जो है ESI का ऑलमोस्ट 95% सिलेबस जो है वो सेम है इन आरबीआई ग्रेड बी एज वेल एज इन NABARD ग्रेड ए. तो अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी प्रिपेयर कर लिया है, ESI वाला कॉम्पोनेंट अच्छे से कर लिया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस. कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको थोड़े बहुत प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एंड दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ 5%, राइट. तो ऑलमोस्ट आपका एक पेपर तो डन है. Then, आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर एआरडी सेपरेटली. ठीक है, आपको एआरडी अलग से प्रिपेयर करना होगा, एंड इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर एआरडी सेपरेटली, देन यू कैन ऑल्सो अपियर फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. राइट फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग इट. बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो हमारे QRE, दैट इज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, वो तो कॉमन ही होते हैं. राइट, बस लेवल का डिफरेंस होता है, किसी में लेवल बहुत ज्यादा होता है टफ, किसी में लेवल थोड़ा क्वाइट मॉडरेट होता है. लेवल का डिफरेंस है, बाकी कॉम्पोनेट सेम सेबी के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे. यू विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर आरबीआई एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. राइट, बट द मेजर कॉम्पोनेट जो है वो यही वाले हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड ESI फॉर आरबीआई ग्रेड बी, देन यू कैन appear for NABARD grade A, but for that you need to prepare ARD separately. Right guys? So friends, I hope आपको session में मजा आया, and you have learned कि किस तरीके से आप एक exam की preparation से, जो कि SEBI examination है, उसकी preparation से आप कैसे multiple exams में appear हो सकते हैं. Right? So guys, this is all for this session. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.